नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। खुद पर चौकी कैसे चढ़ाते हैं नवरात्रि पर माता की चौकी। 9 दिन में यह मंत्र जप लें आप इस विधि के साथ, आपके ऊपर जो है चौकी चढ़ जाएगी, यानी कि देवियों की सवारी आपके ऊपर खेलने लग जाएगी। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, जाने पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सनी नाथ चैनल और यूट्यूब चैनल गुरु गोरखनाथ नाम का भी एक और यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल जो है मेरे ही हैं, मैं ही अपडेट करता हूँ। 9891-5970 मेरा नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है, जो भी सर्विस है सर्विस के अनुसार चार्ज रहता है। मैं जो भी यहाँ पे किराया देता हूँ अपने अनुभव के आधार पर पूर्ण किराया देता हूँ। अगर आपने मेरे से दीक्षा लेकर कोई साधना करनी है, साधन अनुसार चार्ज है, जिनका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब बात करते हैं खुद पर चौकी कैसे चढ़ाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन कोई भी स्त्री है कोई भी पुरुष है, पहले बात बता दूं कि देवियों की ही चौकी खेलनी है आपके ऊपर, अन्यथा अगर तीसरी चीज चढ़ाना चाहते हो तो थोड़ी असंभव वाली बात हो जाएगी वो, ठीक है। आपने कौन सा मंत्र उठाना, आप कोई कोई सी भी देवी का मंत्र ले सकते हो आप। जैसे कि आपको लगता है कि अगर आपने आपके कुल की देवी शीतला माता है, गुड़गावा वाली माता है, चुगानन माता है, मदानन माता है, या आप थाना वाली माता को मानते हो, या पाथरी वाली माता को मानते हो, या जहाँ तक कि लोग मसानी माता को पूजते हैं, उनको रूप नहीं पता कौन सा चल रहा है लेकिन फिर भी वो उनके भगत हैं, या उसके अलावा आप जो है किसी अन्य देवी के जो उपासक हो, तो उस देवी का देखो। अगर आप काली माता, वैष्णो माता, चिंतपूर्णी माता, ज्वाला देवी, नैना देवी, इनमें से किसी देवी की चौकी लेना चाहते हो, तो मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप जो है निवारण मंत्र का ही जाप करें। दुर्गा माता की चौकी लेनी है तो दुर्गा माता का बीज मंत्र ही प्रेफर करूंगा, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। विधि को क्या है, विधि को ध्यान से सुन लेना, आपने करनी कैसे है, आपने करना क्या है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास गुरु की कृपा दृष्टि होना अति अनिवार्य है। अगर गुरु नहीं है तो साधना के क्षेत्र में आप लोग जो है वो सफल नहीं हो पाओगे। साधना सफलता प्राप्ति के लिए आप लोगों को योग्य गुरुओं के सन्निधि में चलना पड़ता है, तो किसी जानकार व्यक्ति के सन्निधि में जरूर चलें। आपने क्या करना है कि 9 दिन अखंड दीपक लगाना है देसी घी का, भूमि पर ही सोना है, वस्त्रों का खास तौर पर ध्यान रखना, वस्त्र वही पहनने हैं जो देवी को रंग प्रिय है। लाल रंग के हरे रंग के वस्त्र पहनोगे तो ज़्यादा काम करेंगे। लोग क्या करते हैं साधना में जो बोलते हैं, अगर पूर्ण सिद्धि लेनी चौकी सवारी चलानी तो कुर्ता पजामा और लेडीज़ के लिए सूट वही सबसे बेटर है। बंदा तो कुर्ता पजामा नहीं धोती भी पहन सकता है, ठीक है। नवरात्रि जब आएगी तो इतनी बड़ी ठंड नहीं, इतनी ठंड नहीं हो जाएगी कि पब्लिक ठंड सहन नहीं कर पाएगी, नॉर्मल सा मौसम रहेगा। ऊपर आप कोई भी कपड़ा लपेट सकते हो, नीचे आप धोती पहन के बैठ जाओ। ब्रह्मचार्य के पालना के साथ रुद्राक्ष की माला के ऊपर जल का पात्र पास में रखना है, और आपने जो भी मंत्र जपना है, जो भी मंत्र आप जपोगे उस मंत्र का आपको गेल की गेल यानी कि साथ ही साथ ही आपको जो है हवन का अनुष्ठान करना है डेली। हवन किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी होती डालनी है, मेरी वेबसाइट पे विजिट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। फ्री में बताया हो, जैसे लिखा हो वैसे ही डालनी है।